आप हैं जहां न्यूज ब्रॉडकास्ट है वहां। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। गोवा विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर के दफ्तरों में छापेमारी की गई है। इस दौरान एक दफ्तर से गांजा बरामद होने की सूचना है। सूत्रों की माने तो प्रशांत किशोर की कंपनी आईपैक के एक वर्कर को हिरासत में ले लिया गया है। जी हाँ, प्रशांत किशोर गोवा में तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं। उन्होंने गोवा में 8 बंगले किराए पर ले रखे हैं और यहाँ उनकी टीमें काम कर रही है। गोवा पुलिस ने पोर वोरिम के कई बंगलों में छापेमारी की। इस रेड के दौरान ही आईपैक के कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए 28 वर्षीय वर्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं बता दें कि TMC के लिए काम कर रहे प्रशांत किशोर और ममता के बीच हाल ही के दिनों में खटास आई है। पिछले कुछ समय से ममता बनर्जी और प्रशांत किशोर के बीच मतभेद बढ़ने को लेकर अटकलों का दौर जारी है। बंगाली दैनिक आनंद बाजार पत्रिका ने दोनों के बीच SMS का आदान प्रदान होने की भी जानकारी दी है। अखबार के अनुसार प्रशांत किशोर ने ममता को टेक्स्ट मैसेज में लिखा था कि वह बंगाल, मेघालय और उड़ीसा के लिए TMC के लिए काम नहीं करना चाहते हैं, जिसका जवाब CM ममता ने धन्यवाद कहते हुए दिया था। अब तक ये बस इतना ही। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कॉमेंट के जरिए हमें जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें।